आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कि दूसरे 20 मैच के लिए भी पाकिस्तानी टीम में दो तब्दीलियां। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे 20 मैच में भी एक और खिलाड़ी से डेब्यू कराए जाने का इम्कान। रावलपिंडी में शुरू होने वाले दूसरे 20 मैच में पाकिस्तानी टीम में कौन सी दो तब्दीलियां होने जा रही हैं और कौन से खिलाड़ी से डेब्यू कराया जाएगा, हम आपको बताएंगे मुकम्मल तफसीलात के साथ इस वीडियो में। लेकिन मजीद तफसील में जानते पर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले यहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से गा करते चले कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दरमियान दूसरा 20 मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। खेले जाने वाला यह मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुपहर 3:30 बजे शुरू होगा और इस दूसरे 20 मैच को अपने मोबाइल पर लाइव देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जबरदस्त ऐप्स का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप आज का ये मैच अपने मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों के हवाले से बताते चलें कि जीत के बाद भी पाकिस्तानी टीम में दो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और इन दो तब्दीलियों में एक खिलाड़ी से डेब्यू कराए जाने का इम्कान। आज के दूसरे 20 मैच में जिस खिलाड़ी से डेब्यू कराए जाने का इम्कान है वो नाम है अब्दुल्ला शफीक का। और अब तक की न्यूज के मुताबिक अब्दुल्ला शफीक दूसरे 20 मैच में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं जबकि उसके मुतबादल फखर जमान को आज के दूसरे 20 मैच में पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिए जाने का इम्कान है। जो दूसरी तब्दीली होने वाली है वो फहीम अशरफ की, जिसको आज के मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी कारकर्दगी अच्छी खासी नहीं रही और उसकी जगह आज के मैच में यंग बॉलर मूसा खान को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाएगा। मूसा खान जो कि पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह लाक के एक फेवरेट खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आप ख्याल में पाकिस्तानी टीम में आज के ये मैच में दो तब्दीलियां कैसी रहेंगी, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।